नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वाति। रीवा जिले में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत 30 अप्रैल को शाम 6 बजे तक 4 लाख आवेदन ऑनलाइन दर्ज किए जा चुके हैं। जिला कलेक्टर द्वारा सभी पात्र बहनों के लाडली बहना योजना में पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे। कलेक्टर ने कहा है कि 30 अप्रैल को पोर्टल बंद हो गया है, इसलिए नगरीय निकायों के वार्ड और ग्राम पंचायत क्षेत्र की पात्र बहनों का अनिवार्य रूप से योजना में आवेदन भरवाया गया था। वार्ड प्रभारी व पंचायत सचिव, रोजगार सहायक और पटवारी 30 अप्रैल को संबंधित अधिकारी के माध्यम से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगी कि अब संबंधित क्षेत्र में कोई भी पात्र बहन योजना में पंजीयन के लिए शेष नहीं है। इसके अलावा आवेदन पंजीकृत होने के उपरांत DBT एनेबल और आधार लिंकिंग लंबित होने पर CDPO को बैंक अथवा कियोस्क के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कराने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही सभी CEO, CMO और SDM को 30 अप्रैल तक प्राप्त सभी आवेदनों की ग्राम स्तरीय समिति द्वारा जांच कर कार्यवाही पूर्ण करने व 1 मई को अंतिम सूची के प्रकाशन के बाद सभी SDM को दावा आपत्ति के संबंध में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है। आइए सुनते हैं कलेक्टर प्रतिभा पाल ने क्या जानकारी दी है। चूंकि अपने यहाँ प्रदेश भर में लगभग तीसरे स्थान पर रीवा जिला है और इसमें 4 लाख से अधिक लाडली बहनों का पंजीयन किया गया है। अपने यहाँ सभी जनपद पंचायतों में, नगर पंचायतों में, नगर निगम में इसमें पूरी टीम ने बेहतर काम किया है और लगातार जो इसमें पात्र हितग्राही थी उनका पंजीयन किया गया है। उनके पंजीयन हो चुके हैं। पंजीयन के बाद जो लिस्ट है, दावे आपत्ति की सूची प्रकाशित की गई है 1 तारीख से नेक्स्ट 15 डेज तक के लिए। तो जो पात्रताएं थी उनके आधार पर सभी के पंजीयन हुए हैं। जैसे ही दावे आपत्ति का समय समाप्त होगा ये लिस्ट फाइनल हो जाएगी और आगे की प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ेगी। लगभग 4 लाख से ज़्यादा आवेदन रीवा जिले में भरे गए। Oh, oh, oh.